Hello students, today I will teach you groundnut oil, जो कि मैं इसके पहले आपको oils में essential oil और fatty oil दोनों ही बता चुकी हूँ। तो ये groundnut oil है जो कि fatty oil है। अब question अगर देखा जाए तो exam में mostly पूछ लिया जाता है कि अपनी locality के कोई तीन oil yielding plants का description कीजिए, या सपोज करिए पूछ लीजिए लिया गया कि कोई भी दो फैटी ऑयल प्रोड्यूसिंग प्लांट्स के बारे में बताइए, या कभी कभी फैमिली को डिनोट करके पूछ लिया जाता है कि इस फैमिली का ऑयल यील्डिंग प्लांट बताइए। तो जो ग्राउंडनट है इसका बॉटनिकल नेम है एरेकिस हाइपोजिया और इसकी फैमिली है फैबेसी। अब इसका ऑरिजिन एंड डिस्ट्रीब्यूशन देखा जाए कि इसकी उत्पत्ति कहाँ से हुई थी, तो माना जाता है कि जो ग्राउंडनट है उसका नेटिव प्लेस है ब्राजील, और ब्राजील के तो नेटिव प्लेस है ही, लेकिन इसके अलावा ये पूरा साउथ अमेरिका में काफी मात्रा में मतलब पाया जाता है। इसके बाद ये प्लांट जो है ये आपके जो अफ्रीका के डिफरेंट पार्ट्स हैं वहाँ पर भी पाया जाता है। इसके अलावा स्पेन, फिलीपींस, इन सभी जगहों पर, चाइना, जापान, मलेशिया और यहाँ तक कि इंडिया में भी इसका प्रोडक्शन होता है, कल्टीवेशन होता है आप कह सकते हो। और जो ग्राउंडनट की हम बात कर रहे थे, तो ये जो ग्राउंडनट है ये प्रेजेंट टाइम में मोस्टली जितने भी ट्रॉपिकल और सब ट्रॉपिकल कंट्रीज हैं उन सभी जगह पर ये कल्टीवेटेड की जाती है, क्लियर। और इसके अलावा ये जो है आपका बर्मा, अर्जेंटीना, थाईलैंड, इन जगहों पर भी कल्टीवेटेशन इसका किया जाता है। अब हम लोग बॉटनिकल कैरेक्टरिस्टिक इसका देखें कि प्लांट किस तरह का होता है। तो ये किस तरह का है, एनुअल हर्ब है। इसके अलावा जो इसकी हाइट होती है वो 0.3 to 0.6 मीटर होती है, और हाइट के साथ साथ अगर इसके पूरे प्लांट का डिस्क्रिप्शन देखें तो इसका स्टेम जो होता है वो सिलेंड्रिकल होता है, बट बाद में पहले सिलेंड्रिकल होगा, बाद में वो एंगुलर हो जाता है, और एंगुलर होने के साथ साथ उस पर जो लीव्स होती हैं वो क्वाड्रीफोलिएट होती हैं, और दो पेयर्स में जैसे लीफलेट है तो दो पेयर्स में एक साथ लगी रहती हैं जो कि क्वाड्रीफोलिएट जैसी लगती हैं। क्वाड्रीफोलिएट भी जिसमें चार पत्रक हो, क्लियर। अब बात आती है कि जो इसके फ्लावर्स होते हैं वो लेमन येलो कलर के और सेसाइल फ्लावर होते हैं, मीन्स उनमें पेडिसिल प्रेजेंट नहीं होता। पेडिसिल मीन्स जो स्टॉक, जो डंठल होता है जिससे फ्लावर स्टेम से अटैच रहता है उसको पेडिसिल कहते हैं। और इसके साथ साथ इसका जो फ्लावर्स हैं वो दो से चार फ्लावर्स एक गुच्छे में ग्रो होते हैं, और क्या होता है कि फर्टिलाइजेशन के बाद ये फ्लावर्स, सपोज करिए अगर ये स्टेम है इस पर यहाँ ऊपर की तरफ सपोज करिए ये फ्लावर है, मैं एक उदाहरण स्वरूप बता रही हूँ, तो जब फर्टिलाइजेशन हो जाता है तब ये यहाँ से इसका स्टेम बैंड करके ये नीचे की ओर चला जाता है, और ये फ्लावर की बाकी की जो आफ्टर फर्टिलाइजेशन की प्रोसेस है, फर्टिलाइजेशन ही जानते हो ना, मेल और फीमेल जो स्पोर होते हैं उनका फ्यूजन कहलाता है फर्टिलाइजेशन। तो जब फ्यूजन होता है तभी सीड बनता है, तो फ्यूजन के जस्ट बाद यानी आफ्टर
फर्टिलाइजेशन फ्लावर जो उसकी स्टेम है वो कहाँ बैंड हो जाएगी, मुड़ जाएगी, कहाँ नीचे की ओर। इसीलिए आपने देखा है मूंगफली का फ्लावर तो, अगर कभी पूछा जाए कि मूंगफली का फ्लावर तो ऊपर होता है बट उसमें जो फ्रूट होता है वो जमीन के नीचे कैसे, तो जमीन के नीचे इसीलिए होता है क्योंकि उसका वो जो फ्लावर है वो आफ्टर फर्टिलाइजेशन बैंड कर जाता है, नीचे की ओर मुड़ जाता है और फिर क्या होता है फॉर्मेशन हो जाता है फ्रूट का। ठीक है, तो जो ये फ्रूट होता है ये इसका कैसा होता है, इलोंगेटेड होता है, ऑब्लॉन्ग होता है और साथ ही साथ वो एक फली में लगा होता है जिसको वो इंडेहिसेंट पॉड भी कहा जाता है। अब ये जो पॉड होती है इसमें 2 से 4 तक सीड्स पाए जाते हैं और जिसकी कवरिंग कैसी होती है, थिक वॉल्ड होती है, हार्ड होती है और ब्राउन कलर की होती है, मोस्टली ब्राउन या मस्टर्ड येलो से कलर की। अब हम लोग इसकी प्रोड्यूसिंग एरियाज के बारे में बात करें कि कहाँ कहाँ इंडिया में इसका प्रोडक्शन होता है। तो जो प्रोड्यूसिंग एरिया है ये मोस्टली ग्राउंडनट, मैंने पहले भी बताया, तो कैसी क्रॉप है, ट्रॉपिकल एंड सब ट्रॉपिकल रीजन पे कल्टीवेशन होता है, मींस जो ट्रॉपिकल और सब ट्रॉपिकल रीजन है वहां इसका प्रोडक्शन होता है। किसका, ग्राउंडनट का। और जो ये ग्राउंडनट है ये वार्म रीजन्स में सबसे अच्छी ग्रो करती है, जैसे कि जहां टेम्परेचर 27 to 30 डिग्री सेंटीग्रेड को लगभग, और जो रेनफॉल है वो आपकी 50 to 125 सेंटीमीटर होनी चाहिए, यानी जो वार्म टेम्परेचर एरियाज हैं वहां इसका प्रोडक्शन अच्छा होता है। और उसके अलावा जो सैंडी लोम सॉइल है वो इसके लिए फेवरेबल कंडीशन की होती है। उसके अलावा ग्राउंडनट वैसे तो आप किसी भी सॉइल में ग्रो करा सकते हैं क्योंकि ये किस फैमिली का है, फैबेसी, जिसकी रूट नोड्यूल्स होती हैं जिनमें बैक्टीरिया पाए जाते हैं जो कि क्या करते हैं, नाइट्रोजन फिक्सेशन का कार्य करते हैं, तो उस सॉइल की फर्टिलिटी बढ़ा देते हैं। अगर कहीं जमीन में मतलब उपजाऊ ना हो और अगर एक बार आप फैबेसी फैमिली के किसी प्लांट का प्रोडक्शन करा दें तो जो कि उस एटमॉस्फेयर, मतलब वो जो एटमॉस्फेयर है उस खेती के अकॉर्डिंग हो तो वो जमीन उपजाऊ हो जाती है। तो अभी हम लोग प्रोड्यूसिंग एरियाज के बारे में बात कर रहे थे, तो मोस्टली इंडिया में ये सबसे ज्यादा आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु, यूपी, कर्नाटक, पंजाब, एमपी, राजस्थान और उसके साथ साथ वो आपका कर्नाटक तो मैंने मेंशन किया ही है, उसके अलावा राजस्थान भी मैंने मेंशन किया है, तो और क्या छूट रहा है, हाँ गुजरात, वहां पर भी ये ग्रो होती है। इसके बाद आता है इसका कल्टीवेशन कि इसकी खेती कैसे की जाती है या किस तरह से होती। तो ग्राउंडनट जो मोस्टली है वो रेन फेड खरीफ की क्रॉप है, मीन्स खरीफ रवि खरीफ जाए तीन जो फसलें हैं उनको तीन उसमें डिवाइड किया गया है, उनके क्या कहते हैं उसको आप सोइंग और हार्वेस्टिंग की टाइमिंग के अकॉर्डिंग, सोइंग मीन्स बोना और हार्वेस्टिंग मीन्स काटना, ठीक है। तो कल्टीवेशन अगर देखा जाए तो जो इसकी सोइंग होती है वो अप्रैल से जुलाई में होती है और उसके अलावा जो कल्टीवेशन मैंने बता ही दिया कि अप्रैल से जुलाई होता है। जो ये क्रॉप होती है ये आपकी सैंडी सॉइल और जो पुअर फर्टिलिटी है वहां पर भी ये ग्रो कर जाती है, लेकिन बोने के पहले क्या किया जाता है कि वो जो मतलब इनफर्टाइल वैसी सॉइल है
जहां पर फर्टिलिटी नहीं है, तो उसको 3 से 4 बार उसकी जुताई कर दी जाती है, मीन्स उसमें प्लगिंग कर दी जाती है। फिर जिससे क्या होता है, सॉइल नीचे से ऊपर, ऊपर से नीचे, मतलब ऐसे टर्न ओवर हो जाती है। और उसके बाद उसमें जब ये 3 से 4 बार उसकी प्लगिंग कर दी जाएगी, फिर उसमें जो आवश्यक है, मतलब आप कह सकते हो कि हल्का फुल्का फर्टिलाइजर जरूरत पड़ता है, वरना नहीं पड़ता। मैंने पहले ही बताया था कि ये नाइट्रोजन फिक्सेशन वाले प्लांट्स हैं, तो इनको मैन्यूरिंग की भी ज़्यादा ज़रूरत नहीं पड़ती है। लेकिन जो रेन फेड जो क्रॉप हैं, उस कारण इनको जो फॉस्फेट है वो जरूर दिया जाता है। और इस क्रॉप में क्या होता है, जनरली रोटेशन किया जाता है। किसका, जैसे कि इसकी खेती की, उसके बाद आप वीट की, सॉर्गम की, बाजरे की, और आपके धान की, कॉटन की, इनकी खेती कर सकते हो। और कुछ एरिया में आप वेजिटेबल क्रॉप्स, जैसे कि आपका पोटैटो है, पोटैटो के अलावा प्याज है, अदरक है, हल्दी है, मिर्च है, इनको भी ग्रो करा सकते हो। और ये जो क्रॉप है, ये मतलब बाय कटिंग भी लगाई जाती है, प्रोपेगेशन इसका बाय कटिंग भी होता है। तो और मैच्योरिटी इसकी 120 से 135 दिन के अंदर हो जाती है। किसकी, ग्राउंडनट की मैच्योरिटी, क्लियर। तो उसके बाद इसका हार्वेस्ट कर लिया जाता है। तो हार्वेस्टिंग का टाइम क्या होता है, जब इसकी पत्तियां कैसी हो जाती, पीली पीली सी हो जाती, तो पता पड़ जाता है कि फ्रूट तैयार हो गया है। और फ्रूट तैयार होने के बाद तो उसको, मतलब उसको हार्वेस्ट कर लिया जाता है। तो कहीं कहीं मतलब ऐसे हाथ द्वारा होता है, बाय हैंड, और कहीं कहीं उससे क्या कहते हैं, ट्रैक्टर द्वारा भी किया जाता है। जैसे प्लगिंग होती है उसी तरह से हो जाती है, तो वो निकल आती है ग्राउंड। इसके बाद उसको क्या किया जाता है, तो उसको धूप में सुखा लेते हैं और वो प्लांट से अलग हो जाती है जो ग्राउंड नट है। इसके बाद जो ग्राउंड नट जो है वो अपना, मतलब उसको भी अलग अलग उसमें डिवाइड किया गया है कल्टीवेशन के अकॉर्डिंग। एक तो बंच में भी की जाती है और रनर फॉर्म में भी। जो पहली फॉर्म होती है बंच वाली, उसमें जो फलियां प्रोड्यूस होती हैं वो गुच्छे में होती हैं, जबकि दूसरी जो आपकी रनर फॉर्म में चलती है, तो उसमें सॉइल सरफेस पर जैसे उसकी जो ब्रांचे हैं वो सॉइल सरफेस पर ऐसे ट्रेलिंग फॉर्म में, मतलब रेंगते हुए फॉर्म में ग्रो करेंगी। तो उनकी जो पॉड्स हैं, फलियां हैं, वो कैसी होंगी, वो भी उनके साथ साथ सॉइल सरफेस पर ही प्रोड्यूस होंगी फैली फैली। और कुछ अब आती है इम्प्रूव्ड वैरायटीज, जो कि आपकी इम्प्रूव्ड वैरायटीज ग्राउंडनट की हाई यील्डिंग वैरायटीज हैं, जैसे कि TMB 1, 2, 3, 4, स्पेनिश जे, VRI 1, VR 1, 2, VR 1, 3, GG 2, RG 1, 4, 1, RS 1, 3, 8। इसके अलावा ICGB 8, 7, 1, 6, 0, और आपकी सोमनाथ, कौशल, ये कुछ इम्प्रूव्ड वैरायटीज हैं जो कि हाई यील्डिंग हैं। तो मोस्टली इंडिया में यही वैरायटीज कल्टीवेट की जाती हैं। अब अगर इसकी प्रॉपर्टीज की बात करें कि इसमें, नहीं पहले तो आ जाएगा एक्सट्रैक्शन, कि इसका एक्सट्रैक्शन कैसे होता है। तो जो ये सीड्स होते हैं इनमें लगभग 40-50% ऑयल पाया जाता है। तो 40-50% जो ऑयल है
ये सीड्स से दोनों ही मेथड से या फिर हाइड्रोलिक प्रेशर या फिर आपका जो एक्सपेलर्स द्वारा दोनों ही मेथड से प्राप्त किया जाता है। अब आती है प्रॉपर्टीज कि इसमें पाया क्या क्या जाता है। तो जो ग्राउंडनट ऑयल है ये कैसा ऑयल है, अभी मैंने बताया था फैटी ऑयल है या वेजिटेबल ऑयल आप कह सकते हैं, क्योंकि फैटी ऑयल भी वेजिटेबल ऑयल का टाइप है। और फैटी ऑयल में भी ये किस टाइप का है, नॉन ड्राइंग। तो जो ये नॉन ड्राइंग ऑयल है ये आपका ये क्या होता है, ये गोल्डन येलो कलर का होता है और इसमें जो कुछ महक आती है एक अलग सी, वो इसमें जो फैटी एसिड्स ऑलिक एसिड्स प्रेजेंट होता है 56% उसकी प्रेजेंस के कारण होती है वो है। इसके अलावा इसमें लिनोलेनिक एसिड 25%, पार्मेटिक एसिड 6-12%, एराचिडिक और एस्टेरिक इनकी मात्रा थोड़ी थोड़ी पाई जाती है। इसके अलावा इसमें सैचुरेटेड एसिड्स भी प्रेजेंट रहते हैं। उसके अलावा इसमें फॉस्फोरस और विटामिन्स जो कि थायमिन, रिबोफ्लेविन और नियासिन, तो सबसे ज्यादा ये चीजें पाई जाती है। फॉस्फोरस इसमें रिच क्वांटिटी में पाया जाता है। तो अगर फॉस्फोरस का देखा जाए कि सप्लीमेंट क्या है तो ग्राउंडनट है। आप ग्राउंडनट ऑयल अगर नहीं यूज करते, ग्राउंडनट खा भी लेते हैं तो उससे फॉस्फोरस की कमी पूरी होती है। अब हम बात करते हैं इसके यूजेस, इसके क्या उपयोग हैं। तो सबसे पहला तो है कि इसका ऑयल खाने में प्रयुक्त होता है, क्योंकि इसका जो ये कैसा होता है, नॉन ड्राइंग है इसलिए। उसके अलावा वेजिटेबल घी जो बनाया जाता है वो भी इसी ऑयल के द्वारा बनाया जाता है। उसमें हाइड्रोजनेशन के द्वारा मीन्स उसमें हाइड्रोजन गैस पास करके घी बनाया जाता है, जो वनस्पति घी कहा जाता है वो ये ग्राउंडनट ऑयल में ही हाइड्रोजन गैस पास करके बनाया जाता है। इसके अलावा लुब्रिकेंट के रूप में भी और मिनरल ऑयल के साथ ब्लेंड करके भी यूज किया जाता है, मेडिसिनली भी ये यूज किया जाता है। इसके अलावा ये जो ऑयल है ये फर्नीचर की क्रीम बनाने में, कॉस्मेटिक बनाने में, सोप बनाने में और आपका लुब्रिकेंट्स बनाने में, इन सब चीज़ों में भी प्रयुक्त होता है। इसके अलावा इससे ग्लिसरीन भी बनाई जाती है, सेविंग क्रीम, कोल्ड क्रीम और आपका ग्राउंडनट जो ऑयल है उसका बहुत सारे इंसेक्ट्स होते हैं जो प्लांट्स के लिए हार्मफुल हैं उनको रोकने के लिए इंसेक्टिसाइड्स बनाया जाता है ग्राउंडनट ऑयल से। इसके अलावा इससे क्या कहते हैं आपके इंसेक्टिसाइड्स के अलावा इसका जो ऑयल केक है वो कैटल फीड की तरह यूज होता है, जो जानवरों के लिए खली जिसको कहते हैं उसके रूप में प्रयोग होती है। इसके अलावा जो इसका ग्राउंडनट को हम लोग वैसे भी अपना खाने के लिए यूज करते हैं और प्रोटीन रिच फूड सप्लीमेंट के रूप में भी ये यूज होता है। तो अब नेक्स्ट टॉपिक पे हम लोग उसकी बात करेंगे, मस्टर्ड ऑयल।